Morning in progress. देखो कि हम ये फ्लोर है ना यहाँ तक भी रख सकते हैं, बट मैंने यही अंदर ही दी क्योंकि मेरे को एलिवेशन में इसको सही लुक देना है। अब मेरे को इसके अंदर है ना ये ग्रिल्स बनानी है। ग्रिल्स बनाने के लिए आप देखो एक्सट्रूड बॉक्स से भी बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट ऑब्जेक्ट कमांड लगाओ, ये चीज मैं बॉक्स से भी कर दूंगा। बॉक्स कमांड लगानी है आपको, यहां से यहां तक लिया और हाइट देनी है 1.5, एंटर। सेम चीज इधर हो जाएगी। इन दोनों को यूनियन करना है, एंटर करना है। अब इसको एक बार इसको ना इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है यहां से यहां तक, हो गया। अब इसकी कॉपी करनी है, कॉपी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखना पड़ेगा यहां पर, एक यहां से यहां रख दो इसके ऊपर। अब आप जो कॉपी करोगे ना इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को करना है, ऊपर वाले को नहीं करना। सेलेक्ट एंटर, यहां से उठाकर यहां रखने से पहले आपको एरे लेगा। ए प्रेस किया, अब एंटर द नंबर ऑफ आइटम, में आइटम ले लूंगा 45, एंटर। फिर आपको सेकेंड पॉइंट आपको इसके ऊपर क्लिक करना और आप कमांड से बाहर आ जाओ। और ये जो हमने पहले कॉपी की थी ना इसको डिलीट करो, तो ये यहां तक आ जाएगा। अब जो एक ऑब्जेक्ट इसमें ज्यादा बना इसको डिलीट करो, बाकी सही। ये भी है, आप चाहो तो ये भी डिलीट कर सकते हो दोनों, क्योंकि इसको टच हो रहा है, ये हमको इससे दूर दूर चाहिए थोड़ा सा, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि अनहाइड कर देता हूं, पहले इसको ग्रुप बना देता हूं ग्रिल्स को। देख इधर से सिलेक्शन करोगे, इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन, बट आपके कुछ ऑब्जेक्ट 2D वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनको आप शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट कर दोगे। या फिर इनको आप हाइड करो एक बार, फिर हम एक कमांड और यूज करेंगे इसके अंदर, वो भी समझ आ जाएगी। एक कमांड थी सेलेक्ट सिमिलर, हाँ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो फिर एंटर कर दो, सिलेक्ट सारी हो जाएगी जो भी इसके मिलते जुलते तो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। अब जी कमांड लगानी, बस जी कमांड ग्रुप बनाती है, ये ग्रुप हो गया आपका। अब उस पूरे ये सिर्फ सारे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता है या सिर्फ उसी उसके जैसे दिखने वाले। नहीं, सबको सॉलिड होगा ना, सबको लेगा। अब अनहाइड करो आप, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आपके कम मतलब कम दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनको यूएनजी करना पड़ेगा, अनग्रुप। अब कुछ एक ऑब्जेक्ट कम दिख रहे हैं तो उनको आपको कॉपी वापस करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन बनाइए, कॉपी कमांड लगा दें। अब मान लो मैंने इसको यहां से उठाया और यहां रख देता हूँ, ये आगे मेरे सारे ऑब्जेक्ट, और मेरे को कुछ किसी की भी जरूरत नहीं। अब ये तो ये एरिया थोड़ा है ना इससे मेरे अंदर आ रहा है, इसमें मर्ज हो रहा है ना, तो प्रेस पुल कमांड होती है एक हमारी, प्रेस पुल लीजिए। प्रेस पुल क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट पूरा बाउंड्री ऐसे, आप तो ये भी प्रेस पुल कर सकते हैं पर मेरे को ये वाला करना। अब आपको मेजरमेंट लो तो भी चलेगा, नहीं तो इसके कॉर्नर पे क्लिक कर दो, इतना ये प्रेस पुल कम हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह आपको ये वाली ग्रिल्स बनेगी, यहां पर भी ग्रिल्स है, अब इसको भी हाइड कर दीजिए। सेम चीज है, बॉक्स कमांड लगा दें आप, इस ऑब्जेक्ट को यहां तक बॉक्स ले लेंगे, हाइट वही सेम 1.5, यहां पर भी ले लीजिए 1.5, एंटर। UNI, एंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर। इसको ऊपर आप कितना लोगे बताओ। देखो मूव करने के दो ऑप्शन है, इस गिज़मो से भी कर सकता हूं मैं और मूव कमांड भी लगा सकता हूं। एम एंटर करें, यहां से उठाया। अब मैं इसको यहां से ले लूंगा 10 फीट लूंगा तो प्रॉपरली उसके ऊपर मर्ज होगा, 10 फीट से थोड़ा सा मतलब 3 इंच कम ले लूंगा, तो 9 फीट 9 इंच, 9 फीट 9 इंच 9 फीट 9 इंच लूंगा, वो बराबर सेटअप हो जाएगा।
यहां पर है, अब अनहाइड करो आप, ये आपका एकदम फिक्स और फिक्स आ गई है, क्योंकि इस वाले से अगर इसको मैं 9 फीट पूरा 10 फीट करता इसमें मर्द हो जाता ये, तो इसको 3 इंच कम देने के लिए मैं 9 फीट 9 इंच रखा। अब देखो कि अगर आप चाहो तो इस लेवल के बराबर ले सकते हो, अभी लेवल बराबर नहीं है इसका, इसको आप 1.5 इंच और नीचे ले सकते हो, मतलब बराबर दिखाना दोनों को इक्वल, मतलब आपका एलिवेशन में अच्छा दिखना चाहिए, तो वो चीज आप यहां से इक्वल कर सकते हो। अब आपको सेम का सेम वही प्रोसेस, टीओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, फिर बेस पॉइंट, अब की बार में इसका ये दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए एंटर करके एक आइटम तो ऑलरेडी है और 9 और दे दूंगा, या फिर 10 दे दूंगा तो उसके साथ 10 काउंट कर लेगा, और सेकेंड पॉइंट आप यहाँ दे दीजिए, सॉरी ऐसे इसका टेचेबल हो रहा है ना, ए एंटर 10 आइटम, और मेरा ये वाला पॉइंट था तो इसका ये वाला पॉइंट हो। ठीक है, पूरी नीचे नहीं, 9 ही आइटम दे दे मैंने, अब इनको भी आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक बॉक्स कमांड होती है, बीओ बॉक्स कमांड लगाई, मैं यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी वो जो नीचे वाला हाइट है वो 11 फीट है, नहीं सॉरी, ये 3 ही होगा ना, ये उसके बराबर होगा ना, वो पास में जो साइड में जा रहा है वो हाँ इसके बराबर हो गई, तीन है वो। ये वाला भी इसके लेवल बराबर ले लो, हो गया। अब इन दोनों को आप यूएनआई करो, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर, दोनों यूनियन हो गए। अब इसमें कमांड हम और ले सकते हैं, उसका नाम है सॉलिड एडिट, ये कमांड होती है, इसमें क्या होता है कि आप इसको या तो फिर आप उसका 2D बनाइए, 2D बना करके इसको पहले ऑफसेट लीजिए, फिर इसको एक्सट्रूड सब्ट्रैक्शन करें, उससे भी फास्टली वर्क करना मेरे को, तो मैं सॉलिड एडिट कमांड लगाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा बॉडी, बॉडी के अंदर जा करके आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा सेल। अब इसमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे आप, फिर एंटर कर दोगे, वो एंटर करने से तो वो कमांड से बाहर आ जाएगी, एंटर नहीं करके क्लिक करोगे इसका टॉप लोगे, अब आप क्या करोगे कि अब एंटर करोगे, अब ये पूछता है कि एंटर द सेल ऑफसेट डिस्टेंस, अब जो साइड में सेल से ऑर्डर है ना उसका आपको डिस्टेंस कितना देना है, वो मेरे को देना है, इसकी वो थिकनेस भी 9 इंच है, तो यहाँ पर 9 इंच डाल दीजिए और एंटर कर दें, तो ये इसके चारों साइडों से 9 9 इंच का गैप छोड़ देगा, नीचे से सरफेस का भी 9 इंच दे देगा, हाँ साइडों से भी नीचे नौ भी नौ आप इंच छोड़ेगा। कमेंट ठीक है, अब सिर्फ मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, कमांड से एग्जिट कर दो, एस्केप दबा दो ना, इस चीज को सेलेक्ट करके कमांड लगानी है आइसोलेट, अब ये रहेगा बाकी सब हट जाएंगे, अब आपको प्रेस पुल कमांड यूज करनी है, अब इन ऑब्जेक्ट को आप हटा दीजिए, जब नहीं चाहिए ऐसे ट्रैक करते हैं हट जाएंगे। कैसे कैसे ड्राइव किया हम से इंटरप्रेट करूंगा देखो आगे लेता तो एक्सट्रूड होता, पीछे लेता तो रिमूव हो जाता है, प्रेस पुल हाँ पीछे की तरफ धक्का देंगे। ले जाओ, पीछे की तरफ दिक्कत हो गया तो चला जाएगा। अब ये जो थिकनेस है ना ये 9 इंच है, पर मेरे को इतनी नहीं चाहिए, मेरे को 6 इंच चाहिए, तो ठीक इसको 3 इंच नीचे मूव कर दीजिए, और आप ये ठीक है, अब अनहाइड करेंगे हम, ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब मेरे को डोर क्रिएट करना है, डोर की साइज आपको पता होनी चाहिए, ये डोर कितने थिकनेस का है तो वो आपको पता कर लो, कुछ नहीं करना आपको ना, आपको नाइन ये साइज इससे प्लस हो रखा है, तो प्लस है ना 6 इंच, मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, और भी अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को वापस, क्योंकि प्लस हो रखा है, आइसोलेट कर दीजिए। आप क्या करो, छोटा सा ही काम करना है, कुछ नहीं,
इसको थिकनेस ऐड करके, इसको सेलेक्ट करके नीचे की साइड मूव करना है, नीचे 6 इंच। आप मूव कमांड से भी कर सकते हैं, गिज़्मो से भी कर रहा हूं अभी, है ना। अब यूएनआई कमांड लगानी बस, कुछ नहीं। ये हो गया इसके। अब ये दोनों तो यूनियन हो जाएंगे, यू एन आई एंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर, दोनों कॉमन रहेंगे ना, ये इससे अटैचेबल ही रहेगा वैसे। बाद मेटेरियल लगेगा तो अच्छा लुक दिख जाएगा। ये होने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको डोर क्रिएट करना है और विंडोज बनानी है। पहले विंडो बनाते हैं, और विंडो की साइज आप डी आई कमांड लगाओ डिस्ट, ऐसे तो 4 फीट 3 इंच हाइट है मेरी, 5 फीट। अब प्लान के अंदर जाइए, वी एस एंटर टू एंटर, ठीक है। आप चाहो तो इस विंडो को सीधा उठा कर ले आओ, ऐसी फ्रेम बनाऊंगा वैसे मैं, हार्ड कुछ नहीं बनाऊंगा, बट ये इससे बनाने से अच्छा खुद बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा हमको। रेक्टेंगल लेंगे, शिफ्ट एट द रेट, इसकी लेंथ 5 फीट नहीं, सो 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 5 और 5 कोमा 5 फीट एंटर। ये हो गया। अब इसको आपको करना है ऑफसेट, वो इसकी थिकनेस में दे देता हूँ, वो दे देता हूँ 2 इंच, नहीं सर 3 इंच दे रहा हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखना अंदर के 3 इंच देते हैं, क्योंकि जो चौकट होती है वो 3 इंच ही होती है सर, वो अपने ऊपर डिपेंड है, मैं बता रहा हूँ लेवल जो बेसिकली चलता है। फिर इसको कर दीजिए एक्सप्लोड, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट का मैं ले रहा हूं ऑफसेट, वो ले रहा हूं 12 इंच, या नीचे की साइड वापस ऑफसेट ले रहा हूं, वो ले रहा हूं 3 इंच यहां पर। अब इसके सेंटर से एक लाइन खींचूंगा यहां पर, अच्छा ऑफसेट लूंगा 1.5 एंटर, इसको इधर ले लीजिए, इसको इसको इधर लेना, ये बीच वाली लाइन को रिमूव कर देंगे, और टी आर कमांड ट्रिम, ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ज्वाइन हो गया सारा। अच्छा एक और ट्रिम की लेनी चाहिए। ये जिमनी हुई, ये रहा, ठीक है। अब ये तो होगी मेरी वुडन की फ्रेम, फ्रेम ओनली ऑन। अब मैं इसके अंदर ग्लास ऐड करूंगा तो उसकी भी एक थिकनेस देनी पड़ेगी, तो वो आपको करना पड़ेगा ऑफसेट, ज्यादा नहीं करना है ना, 0.5 रखेंगे हम थिकनेस, 0.5 अंदर दे दीजिए ऑफसेट, बस हो गया। अब जाएंगे डैश व्यू, एस डब्ल्यू एंटर, सेट लगा देते हैं पहले ही। अब यहां पर हमारी एक प्रेस पुल कमांड यूज हो जाएगी, ठीक है। हाइट देंगे इसकी दो, जब आपने लाइन की चली ना 1.5 फीट हाँ वो बोलूंगा पहले, इसको लेते हैं, इसकी थिकनेस मैं दे रहा हूं 2 इंच, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कर दूंगा हाइट ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैं देखते, अभी मेरा पिक बॉक्स है ना बहुत बड़ी साइज का है, अब इसमें फ्रेम सेटअप नहीं हो पाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पिक बॉक्स की जो साइज थोड़ी है ना मैं कम कर दूंगा। पिक बॉक्स साइज कम करने के लिए पिक बॉक्स कमांड लगती है, इसकी वैल्यू 2 कर देंगे। अब मैं प्रेस पुल करूंगा, अब इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस रहेगी हमारी 0.75। ठीक है, इसमें से एक को आप कर दीजिए, एक दोनों इक्वल है, तो इसको उधर कॉपी करो तो अभी हो जाएगा, मिरर करो तो अभी हो जाएगा। हो गया। अरे अब इसको आप हाइड कर दीजिए, अब सिर्फ अंदर वाले 3 ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हैं, अंदर अंदर वाले सबसे अंदर वाले, EXT से भी कर दूंगा तो भी हो जाएगा, प्रेस पुल से भी हो जाएगा। इसकी थिकनेस रहेगी 0.25, ये ग्लास लगेगा इसके ऊपर, है ना। अब मैं अनहाइड कर रहा हूं, ये आ गया। इस ग्लास को तो मैं ऊपर ले लूंगा, तीनों को साथ सेलेक्ट करना है ना,
0.25 ऊपर ले रहा हूं, ठीक है। अब इस फ्रेम को नीचे लूंगा 1 इंच, ठीक है, इस तरीके से है। अब आपको इसमें सीधा पहले मटेरियल लगा ही देते हैं। मटेरियल लाने के लिए पहले तो आपको यहां से करना पड़ेगा रियलिस्टिक व्यू। रियलिस्टिक व्यू के अंदर ही मटेरियल अच्छा दिखता है। अब आपको जाना है MAD, एंटर, ये आपका ओपन हो गया मटेरियल ब्राउजर। आपको इस होम टैब पे क्लिक करना है, इसमें ऑटोडेस्क लाइब्रेरी में जाना है। अब मेरे को ग्लास सबसे पहले लगाना वुडन, वुड चाहिए मेरे को, सबसे नीचे ऑप्शन आता है वुड। अब देखो कि ऐसा मटेरियल लाना है जो आपको अच्छा दिख, जो सही नहीं दिख रहा, साइनिंग होनी चाहिए ना। वो वाइट ऑफ भी अच्छे होते और ग्लास वाले हाँ हमें ये वाली यही थी वो ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी मटेरियल को मेरे को इस फ्रेम पे भी अप्लाई करना है ना, ग्लास के लिए अलग लेंगे तो इसके लिए तो MA करो, मैच प्रॉपर्टी। अब इस अंदर वाले पे ग्लास लगाना है तो आप ग्लास पे क्लिक करिए और यहां से आप ग्लास ले लीजिए जो आपको सही लगे, ठीक है। ये वाला ये वाला, नीचे वाला ये हाँ हो गया। अब MA कर दें। हो गया। अब आपको इसमें से इसको, इन तीनों फ्रेम को ग्रुप बनाना है ना कि यूनियन करना है। कौन सेलेक्ट सा? है उधर वाली की उधर वाली इसके पास वाली हो गया वाह जी कमांड ग्रुप। अब इसको आप करोगे 3DR एंटर, यहां से रेड वाला लेना है, सेलेक्ट 92 हुआ नहीं, वापस कर लो। क्या कर्सर छोटा है ना इस कारण से, पिक बॉक्स छोटा होता है, 90 डिग्री ऊपर बन। हो गया। अब इसको यहां से उठाएंगे मिड पॉइंट से, यहां से उठाया, अब इसकी एक कॉपी कर लीजिए CO कमांड से। मैं इधर से उठाऊंगा उधर, क्यों, वो मैंने एलिवेशन सेट कर रखा है। इस वाले पॉइंट से उठाया, तो ये अलग है, बस हो गया काम। ये अंदर भी तो लगाएंगे ये किधर लगानी, इसको रोटेट करके लाएंगे तब। वही इधर की साइड, ये तो सर वो कर दो ना क्या नाम उसका अलाइन अच्छा पहले रोटेट तो करूंगा ना, सीधा अलाइन होगा नहीं। कॉपी कर लेते हैं, अब इसको 3DR करेंगे। से अच्छा रोटेट 3D से 90 डिग्री लेता है, 3DR से रोटेट 3D से आपको एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा सब। अब ये किस में घूम रहा है, जेड में घूम रहा है, जेड में होगा। अब इसमें देखो 3D अलाइन कमांड भी होती है, ठीक है, 3D अलाइन भी होती है। सेलेक्ट करेंगे फिर एंटर करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट बेस पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो है ना ठीक थर्ड पॉइंट मेन पॉइंट देने प्रोटेक्शन। अच्छा ठीक है, पता चल गया मेरे को। 3DR में सेलेक्ट करेंगे, पहला सोर्स पॉइंट तो मेरा ये रहेगा इधर वाला, और सेकंड वाला पॉइंट ये रहेगा, या वाला
ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट नहीं देना, कंटिन्यू करना, अब इसको उठा के ले जाओ, बाद में उसको वहां पे लगाना होगा और वापस इधर ले। और एंटर सीधा लग जाए, नहीं रोटेट करके लगा ही सकते हो, वो ऑप्शन तो है ही है, सीधा ही अलाइन से लगाना तो ये मेथड है। ठीक है, बट ये वाली विंडो है ना उससे थोड़ी सी छोटी है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रेस पुल करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है और भी है अभी, क्योंकि प्रॉपरली प्रेस पुल हुआ नहीं हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया इधर बात से भी पीछे रह गया है, रोटेट करके लाना अलाइन से, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, फालतू दिक्कत हो गया। अभी भी अंदर है। देख लो अलाइन, देख लेंगे बाद में पड़ेगी रात। एम एंटर, सबसे आगे हो गया सही तो नहीं आई, बट अब हम इजीली कर सकते हैं ना, 3 इंच अंदर दे देंगे, प्रेस पुल कर देंगे उधर की साइड, या पहले प्रेस पुल कर देते हैं, रुको मेरे को देखना पड़ेगा उस मैच में, पता नहीं मेरे को। डी आई कमांड लगाइए आप यहां से यहां तक, इसकी साइज है 4 फीट और हमारी विंडो है जो 4 फीट, सॉरी 4 4 5 इंच। हाँ, तो ये 3 इंच इसको प्रेस पुल करना पड़ेगा आपको तो। अब लेके आओ, हो गया काम। अब यूसीएस को एंटर एंटर इसलिए कर रहा हूँ कि ग्रीन वाली खड़ी थी, ठीक है। अब डोर बनाना है, विंडो हो गया, अब डोर क्रिएशन में आपको बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, पहले तो बनानी पड़ेगी आपको डोर की चौकट, चौकट बनाने के लिए मैं ऊपर वाले की बनाऊंगा, नीचे वाला सेम डोर प्लेस कर दूंगा, सेलेक्ट करके कमांड लगा दो आइसोलेट। अब इस मेटल ब्राउज़र को अभी बंद कर रहा हूं मैं, अब आपको क्या करना है, यूसीएस लगाना है लेफ्ट साइड की तरफ, ये कौन सा व्यू दिख रहा है, वाला लेफ्ट व्यू है, UCS एंटर, यहां पे लिख देंगे लेफ्ट, हो गया यूसीएस सेट लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक, यूसीएस लगा करके लेफ्ट लिख देना है ना, बाकी कुछ नहीं करना। अब रेक्टेंगल कमांड लगा दीजिए आप, सीधी बात है, ये लग गया रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को आपको मिड पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, तो एम एंटर करिए, लग गया, सॉरी पूरा हाउस चला गया, रेक्टेंगल रेक्टेंगल लेना, ये लग गया। अब आपको यूसीएस को डिफॉल्ट करना है, पर उससे पहले क्या करोगे, इस लाइन को डिलीट करोगे टी आर कमांड ट्रिम, ये हट की लाइन। अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को भी हाइड करना है, अब इसी इसको रखना है इस फ्रेम फ्रेम को, है ना। अब आपको करना है यूसीएस एंटर एंटर, वापस नीचे जमीन के पैरेलल हो गई इसकी लाइन, अब लगाना है पीएल कमांड पॉली लाइन एंटर, अब ये सिंगल डोर बनाएंगे जो अंदर की साइड खुलेगा, ठीक है। चौकट की जो थिकनेस होती है वो 3 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हो, हम 3 इंच ही रखेंगे वैसे, तो इसको इधर दे रहा हूं मैं 1.5 एंटर, डोर की चौकट की थिकनेस वो भी 3 है और ऐसे भी 3 है, और अब इधर मैं जो लूंगा ना वो मैं लूंगा 3.5 पाव, मतलब आधा इंच का जो डोर रुकने के लिए चाहिए, 3.5 अंदर दे देंगे वापस, वो मैं दे रहा हूं 0.5 एंटर, फिर अंदर ले लेंगे इस पीछे इधर की साइड 0.5 एंटर, अब उधर चलना आपको, 0.5 कम हो गया, अब होगा 2.75, 3 इंच में से ये कौन सा वाला, ये ये वाला हाँ 3.5,
2.5 पॉइंट फाइव के अंदर, पॉइंट फाइव फिर इधर लेना है 2.75, नहीं तो 2.5 ये 2.75 लेंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी, 2.5 लेना। क्या बात है, नहीं, ये कह रहा मास्क लगा हुआ ही रहेगा। वापस 3 दे दीजिए और सी एंटर क्लोज। देखो थिकनेस बता देता हूं, ये है ना, ये वाली लेंथ है 3.5, ये 3.5 है। रुको ये रुको मैं डिस्टेंस बता देता हूँ ना आपको, तब कितना है। वो ज्यादा इसलिए बता रहा है कि यूनिट हमारी यहाँ पर डेसिमल कर रखा, मैं पॉइंट तक देता हूँ, DI कमांड लगाया, कितना आ रहा है 3.5, ये कितना है 0.5, ये वाला 0.5 रहेगा, ये वाला रहेगा 2.5, ठीक है। तो ये वाली 3 है। अब आपको कमांड यूज करनी है, उसका नाम है SW, फिर एंटर, फिर सेलेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर पार्क, बार ये हो गया, चौक। ये आपकी चौखट बन, ये देखिए आपको एज नहीं दिख रहे हैं, तो यहां से रियलिस्टिक व्यू को हटाकर कर देंगे सॉलिड विथ एजेस, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब DI डिस्ट कमांड, अब यहां से यहां अंदर अंदर का डिस्टेंस तो है 3.3 फीट 3 इंच ना, 3 फीट 3 इंच में 39 इंच। इसकी हाइट जो थी ना वो तो थी 8 फीट, 8 फीट से 3 इंच तो कम हो जाएगा, तो कितना 7 फीट 9 इंच हो गया। हाँ अब डोर ना फिटो फिट तो लगेगा ही नहीं, कम से कम 4-5 mm कम चाहिए, हम 0.25 कम मानते हैं, तो डोर की हाइट हो जाएगी 7 फीट 8 पॉइंट, मतलब हेलो, पौने 9, मतलब 9 इंच लेना, ठीक बस है। बस मैं देख दे बता दूंगा, वीडियो तो दूंगा ना। ठीक अब आप प्लान में जाइए, ठीक VS एंटर टू एंटर। अब आपको यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया ना, देखो शिफ्ट एट द रेट लगा दो, ऐसे थिकनेस तो 3 फीट 3 इंच है, कोमा 7 फीट 8 इंच, पॉइंट ये रहेगी इसकी हाइट, मतलब 0.25 कम कर रहे हैं बस हाइट में, मतलब 3 इंच तो कम हो गया ऑलरेडी, 0.25 के कम कर रहे हैं कि फिट ऑफ डोर हम लगाएंगे नहीं। अब आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को करना है ऑफसेट, 3 इंच कर दीजिए, अगर ये ज्यादा कम छोटा दिख रहा है तो 4 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 3 इंच कर रहा हूं, अब अंदर वाली फ्रेम को कर दूंगा एक्सप्लोड। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को 3 इंच तो ये थिकनेस ऑलरेडी है, 5 इंच ऊपर ले रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करना है कि इधर से अब ऑफसेट और करना है, वो करना है 2 फीट 6 इंच। अब वापस ऑफसेट करना है 3 इंच का। अब ट्रिम कमांड, ये हट जाएगा, ये भी हटेगा, ये लाइनें भी हटेगा, ठीक है। अब इसमें लगेगी डिवाइड कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको तो कर देंगे 4 पार्ट में डिवाइड, और इसको कर देंगे 5 पार्ट में डिवाइड। एल एंटर लाइन, लाइन ले लो तो भी चल जाएगा, नहीं तो रेक्टेंगल भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब रेक्टेंगल लेंगे, बट वो चीज भी थिकनेस देनी मेरे को बीच में वुडन की, ये तो कॉपी है करने के अकॉर्डिंग, मतलब ग्लास के अकॉर्डिंग लिया मैंने, बट आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, एक यहाँ खींच दो पहले, एक लाइन इधर खींच दो, अब पॉइंट बंद नहीं करने हैं, ऑफसेट लगाना है आपको, थिकनेस जो रहेगी ना इसकी वो वुड वाली वो 1 इंच रहेगी, तो 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5 इधर। अब इन दोनों लाइनों को डिलीट, अब जो रेक्टेंगल बनाना है ना वो यहाँ यहाँ बनाना है, यहां से यहां तक। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सीओ कमांड कॉपी,
बेस पॉइंट अब ये लगे, अब आप क्लिक करते जाओ, सुनिए ना, हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन उधर और चाहिए ना, कॉपी लगा दो वापस, सीओ इस पॉइंट से उठाया, ये गैप कम नहीं हो गया बीच में? गैप कम हुआ ना, यहाँ पर 1 इंच रह गया, यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि हमारा पॉइंट सेटअप नहीं हुआ। अभी कर देंगे, अगर रो कॉलम वाला आता है, इस कॉर्नर से उठा के उसके ऊपर, किस कॉर्नर से उठाऊं, उधर वाले कॉर्नर से, उस कॉर्नर से उठा लो और इसको इस लाइन के ऊपर और आगे इधर नया रखो, ठीक है। अब वापस आगे कान ऐरे कर दो। वो लाइनें लाइने बनाने में टाइम लग रहा है ना, ऐरे कर दो, फिर हो जाएगा। अभी रुको, अब हो जाएगा ना, इसको मिरर कर देता हूँ सब एक बार, तो यहाँ पर वापस मिरर, थिकनेस आ गई यहाँ पर, थिकनेस आ गई, बट इसका गैप है ना इन सब से कम होगा, क्यों ये वाला ज्यादा है और ये वाला तो रहेगा बराबर, ये इससे डिस्टेंस नाप सकते हो आप, 8 पॉइंट कितना आ रहा है, बट हमको यहाँ देंगे तो, और इसका अब यहाँ से डिस्टेंस कम ही आ रहा है, पूरा 8 पॉइंट इतना ही आ रहा है, और यहाँ पर 0.5 इधर भी आएगा तो कम होगा, तो ये 7.3 रहेगा, इतना माता मत लगाओ, ठीक है, नहीं हो रहा है, कॉपी करो ना, वो अभी बताऊंगा, और ऑलरेडी बन नहीं रहा है, ऑलरेडी और दिमाग खराब हो जाएगा, प्रिंट करने में बहुत दिक्कत आती है, वो इसको मैंने पास करने को, ठीक है। अब टी आर एंटर ट्रिम, अब इनको सबको हटाना पड़ेगा, हार्डवेयर चल रहा है। अब पॉइंट पीटी कमांड लगे, पॉइंट को ब्लैंक कर दीजिए, ये सब ऑब्जेक्ट क्रिएट, अब इसमें भी डिवाइड लगानी है, अभी पॉइंट हटाने की जरूरत कहाँ है, वापस पॉइंट चाहिए मेरे को, सेलेक्ट करके 4 पार्ट डिवाइड, वापस पीटी में जाना पड़ेगा और यहाँ पॉइंट लेने पड़ेंगे, मेरे को पॉइंट चाहिए अभी, एल एंटर करूंगा यहाँ से यहाँ तक, रेक्टेंगल बना लूंगा सीधा ही, डेस व्यू में ब्रो आपको बने ना बने, रेक्टेंगल बना लो, कॉपीड, और पॉइंट बंद करो, अब भी चाहिए वो पॉइंट लॉक, ओके, अब ये वाले रेक्टेंगल चारों है ना, इसको तो बना देंगे ग्रुप, इन चारों को करूंगा मैं हाइड, इस वाले 2D को हटा देता हूं, डिलीट, अब अनहाइड, डेस व्यू एस डब्ल्यू एंटर सेट, पता वो 2D वाला ऑब्जेक्ट कहां पर है, दरवाजे के पास ही है वो। अभी देखो यहां पर मेरे को 3D 3D सिलेक्ट करनी है, सब सुन, मिला, एक सेलेक्ट करा, सब सेलेक्ट हो गए, थ्री डी वाले सब सेलेक्ट हो गए, अब इनको कर देना हाइड, हो गए, अब 2D वाला रह गया नीचे, हमको यही चाहिए था, अब यहां पर काम लेंगे प्रेस पुल, थिकनेस 2 इंच, अब ये देखो ग्रुप बना रखा है ना,
EXT extrude, टी प्रेस टेपर, एंगल देंगे 60 डिग्री, थिकनेस देंगे 0.75। बट आपको पता आपको क्या हुआ, कैसे ये लाइनें सेलेक्ट होगी, लाइनें की ना इसका है, बाकी टेपर एंगल सही लगा, कोई नहीं। वैसे भी अच्छा लग रहा है। हाँ सेलेक्ट करेंगे अब इनको, इन सबको वापस ग्रुप बनाएंगे, जी प्रेस सेलेक्ट ऊपर लेना है 1.25, ठीक है। अब ग्लास में ग्लास के लिए वापस यहां से प्रेस पुल 0.25 एंटर, बाकी वाला सेम रहेगा। वापस लाना पड़ेगा, एंटर। एक बना के कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इस फ्रेम को और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को साथ सेलेक्ट करके 0.75 नीचे मूव कर दूंगा, ठीक है। हो गया, 0.75 नीचे मूव करा मैंने। अब देखो कि अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से ये कॉर्नर मेरे को हार्ड नहीं लगे, तो सिर्फ इस फ्रेम फ्रेम को रखूंगा सिलेक्ट, बाकी को सबको आइसोलेट कर रहा हूं मैं। अब मेरे को इस फ्रेम को है ना राउंड करूंगा, नहीं तो इससे ये ऐसे साथ नहीं चाहिए। कमांड होती है फिलेट एज, रेडियस, रेडियस 0.25, और क्लिक करते दबा, कुछ नहीं क्लिक करते, ये एज शार्प नहीं दिखेंगे, ध्यान रखें, राउंड हो जाएंगे ये। इसमें मल्टीपल और ऑप्शन नहीं है, वो एक नहीं दी पा एंटर, एक बार एंटर कर दो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। आपको सेम ही कमांड यूज करनी है, चेन लगाए, ठीक चेन कमांड से क्या होगा, ये हाईलाइट कर देगा कि से आपको पास पास वाले एज दिखेंगे। सर ठीक है हम बना लेंगे। हाँ हाँ आप कर देना है ना, अब तो कार्ड ऐड कर फिर रहा हूँ, वो भी यार कर दो तो। नीचे घूम गया वापस, इसको पहले एक बार लेके आता हूँ राइट में। अब वीडियो कर दो मैं पिक बॉक्स की है ना साइज बढ़ा देता हूँ, वापस ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें देखो ना आपको एक हैंडल लगाना, अभी REC प्लान में जाके करना पड़ेगा वो भी। हाँ रियर सेंटर टू एंटर, डोर यहाँ पर है मेरा ऑलरेडी, REC रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट सिर्फ एट द रेट, थिकनेस 2 इंच, हाइट 8 इंच है, ठीक है। आठ इंच हाइट है, 2 इंच चौड़ाई में है, सर्कल लेना है यहाँ पर एक का, सॉरी एक का बहुत बड़ा हो गया, 0.5 का मिरर करना है इसको,
करना है। जे से ज्वाइन, एल एंटर लाइन, यहां से लाइन लेंगे, थिकनेस इधर दे देंगे 2 इंच, और ऐसे 6 इंच, इधर वापस 2 इंच। इस लाइन को जे से ज्वाइन किया, प्लेट लगाया, रेडियस होगी 0.75। हो गया डेस्ट व्यू, एस डब्ल्यू एंटर। अब इस ऑब्जेक्ट को 3DR करो। अब एक सर्कल बना लो जिसकी रेडियस होगी 0.25, ओके 0.25 लेनी है, ठीक है। एस डब्ल्यू सेलेक्ट एंटर और सेलेक्ट हो गया। एम एंटर मूव, ये कहाँ लगाओ ना, वो इधर लगाओ, इसको मूव करेंगे यहां से इसके सेंटर में, और इसको अब यहां से आपको नीचे मूव करना पड़ेगा 1 इंच। और नीचे वाले फ्रेम को एक्सट्रूड करेंगे नीचे की साइड 0.2, और स्लेट लगा दो। अनमैरिड सबको कर दिया, इन दोनों को तो यूनियन करो। सेलेक्ट, यहां से उठाया, इसका मिड आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। सेलेक्ट, इसको अंदर की साइड देना है 0.5। अब MAT में जाओ, और नहीं तो मेटल वही लगा दो, विंडो में लगाओ, जो हम तो सेम वही लगा। सर ये वाला ऐसे बनाइए जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला एरिया वो किस को बन रही है मुझे बॉक्स से बनाए हुआ, भी पता है मुझे कितना दिया मेरे मर्जी है कुछ 1 फीट 5 इंच। सपने लग गया ना, इवनिंग करा था, ग्रुप करा है। अनग्रुप करते एक बार हम। अब एम ए लगाया, इस पे नहीं लगाया, इस पे रूप हो गया, वापस चेंज करना है, ठीक है। एम ए एंटर, अब इसमें लगेगा मेटल MAT। वो ऊपर स्टेनलेस स्टील ऊपर क्या था, देखो ये लग गया इसके ऊपर, ठीक है। रियलिस्टिक व्यू में जाएंगे वो सर उधर रियलिस्टिक व्यू में तो दिख रहा है, रेंडर में दिखेगा पूरी वाली स्टील ऑप्शन। के भाई तो आपको पता है वॉशिंग की लाइट कैसा होती है तो अब इसको ग्रुप 3DR 90 डिग्री इधर करा, 90 डिग्री इधर कर दिया। अब इसको उठा के ले जाओ एम एंटर, चिपका दो। ओके, बोला बोलो दरबार उसमें नहीं, अब ये पेक ही रहेगा। 2D में तो घूमता है
रियलिस्टिक व्यू में ये सब है ना, रियलिस्टिक व्यू में ये सब इमेज। ओके इसको सेव कर रहा हूं, ये पूरा करके लाना। सर इधर किसकी? आके हाँ ये इतनी चाहिए मेरे को तो, बाकी ऐसे ही रहेगा, ओपन डोर लगेगा, यहाँ पे डोर दिखेगा, ग्लास लगा सकते हो अगर चाहो तो, इसका एलिवेशन देखना नहीं होगा।